काजल फाइनली एंटर कर रही है अभी, द स्टेज इज ऑल योर्स। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि आज हमको कहीं शादी में जाना है। शादी आज नहीं है, शादी कल है, बट आज होता है हल्दी का फंक्शन। कल हम मेहंदी में गए थे, आज हम हल्दी में जाएंगे, तो बस उसके लिए जल्दी उठना पड़ रहा है। एंड अभी फटाफट फ्रेश होते हैं, फिर आपको मिलते हैं एंड बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड क्या है आज का प्लान। सो गाइज मैं तो हो चुका हूँ रेडी एंड ऑल सेट फॉर दिस वेडिंग। आज है हल्दी का दिन, तो सबने येलो पहना है तो मैंने भी येलो पहन लिया है। अभी पूरा बाहर जाकर आपको दिखाते हैं कि कैसे दिख रहा हूँ मैं, बट अभी घर पे फिलहाल रेडी हो गया और सबका वेट कर रहे हैं। वो लोग अभी तक वहीं पर है, 12:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो लेट्स सी। सो गाइज मैं भी फाइनली निकल चुका हूँ। आदि ने बोला था वो आएगा, उसको शायद स्टेशन जाना था क्योंकि जो हमने कल कुर्ता लिया था उसके लिए वो उसको थोड़ा टाइट हो रहा था, बट अभी उसने ऐसे ही पहन लिया। वो बोला अगर फटेगा तो देखा जाएगा, तभी चले जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। एंड विकी के घर से ऑलरेडी वो लोग निकल चुके हैं, उनके सबकी गाड़ी फुल है, तो उन्होंने बोला कि भैया तुम डायरेक्टली आ जाओ कार लेके, क्योंकि वहाँ पर भी शादी का माहौल है तो गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। तो भैया हम भी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं। ये अकेला जाना ना मुझे बहुत ज्यादा बोर होता है, तो कोई नहीं, वो लोग अगर नीचे रुके, अगर साथ में जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना पहुंच ही जाएंगे अपन धीरे धीरे करके। तो हाँ गाइस, जो शादी है वो है काजल और विकी की, तो इसलिए हमने भैया ये देखो कल हम मेहंदी में गए थे, ये उल्टा दिख रहा है शायद, उनका हैशटैग है करंट प्यार का। तो भैया जाते हैं एंड फिर आज हल्दी में मचाते हैं। सो गाइस कितने टाइम के बाद ना मैं इधर येऊर में जा रहा हूँ। ये देखो क्या मस्त ग्रीनरी हो रही है यहाँ पर, इनकी हल्दी है वो येऊर में कहीं पर है, तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली लोकेशन, अभी देखते ऊपर जाके कॉल करते हैं फिर। ये देखो गाइस यहाँ पर जा रहा है चैंप, ये भी जा रहा है हल्दी में आज। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं जहां पर हल्दी का पॉइंट है वहां पर, और इधर अभी भी डेकोरेशन वगैरह चल रहे हैं। ये हमारा बटाटे का गोनिया है। तो गाइज फाइनली हम लोग हल्दी वाले लोकेशन में पहुंच गए हैं और वहां पर विकी को पूजा वगैरह करके हल्दी लग रही है, काजल इधर वेट कर रही है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मस्त मस्त। तू बांध के रखना साड़ी के अंदर, घर पे छोड़ गए। सो काजल फाइनली एंटर कर रही है अभी, द स्टेज इज ऑल योर्स। हल्दी शुरू, देखो चेहरा ना, ये देखो भैया तू भी ब्लॉगर है क्या भाई? मैं तो बोल रही हूँ जिससे सबसे कम हाइट है उसको डाल दो। मोबाइल निकाल ले, मोबाइल कार्ड बस 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 बस, लेकर आया अन्ना बाल्टी, लेकर आया बाल्टी। ए अन्ना ए कैसा ए सब आज ले जाओ, एक नंबर ऊपर ले और जी और जी, पूल से निकल पानी, पूल से निकलू क्या? निकल ना, पानी तो पानी है। अरे उसके पेट में पानी भर गया, डॉक्टर पेट में पानी भर गया, डॉक्टर ना पेट में पानी भर गया, पानी काट, पानी काट ना। सो गाइस शादी वगैरह छोड़ के हम लोग नीचे आ चुके हैं, और हम लोग नीचे इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग विकी के लिए कपड़े लेने के लिए आए हुए हैं। विकी अपना कपड़ा भूल गया था शादी के दिन, तो हम सब लोग यहाँ पे नीचे कपड़ा लेने के लिए आए। गाइस अभी हम लोग वापस ऊपर पहुंच गए हैं और विकी के कपड़े रह गए थे, तो अभी हम लोग लेकर आए ऊपर, चलो अंदर चलते हैं।
तो गाइज यहाँ पर लाइटिंग वगैरह चालू है, अंदर डीजे चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा अंदर, लेकिन आप लोग डीजे एंजॉय करना। अंदर जाते हैं एंड फिर डीजे एंजॉय करते हैं थोड़ा। मतलब हल्दी तो हो चुकी है, इसको बेसिकली आप डीजे नाइट बोल सकते हो। और गाइज यहाँ पर जीतने वाले को मिल रहा है पार्ले जी का बिस्किट, और ये देखो कितने खुश लग रहे हैं लोग पार्ले जी का बिस्किट लेकर। Who is more likely to embarrass in front of others? This is for Shirley Vicky. Who is never wrong? Ekaj usa Vicky. Who is never wrong? तो गाइस फाइनली हम लोग का शादी का फंक्शन ओवर हो गया, सबकी गाड़ियां यहां पर खड़ी है और हम सब अभी निकल रहे हैं। सो गाइस हम लोग का ड्रैग रेस लगा था और मैं फर्स्ट आ गया, आदि सेकंड आया। आदि किधर है गया था, दिख रहा नहीं था तू पीछे से, दिख रहा नहीं था दूर दूर तक। अन्ना तो दिखाई नहीं, अन्ना तो गायब हो गया मेरे को मालूम है क्या, सबसे पहले अन्ना निकला था। सो गाइस अपन फाइनली निकल चुके हैं, रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग ने कपड़े वगैरह सब चेंज करने के लिए मैं लेकर गया था, पीछे ही पड़े हुए, बट मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मूड ही नहीं गया फिर चेंज करने का। पार्टी वगैरह में सब एंजॉय कर रहे थे, फन कर रहे थे यार, ऐसे मोमेंट्स कौन मिस करता है। भैया बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड बहुत मज़ा आया। अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड अभी घर जाते हैं, सोते हैं। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं आपको न्यू व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next vlog. Bye bye. Bye bye. Bye bye.